बैठक आज है, जिस तरह से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे उस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। सीएम हाउस में दोपहर 12 बजे से ये बैठक शुरू होगी। राज्य स्थापना दिवस पर भूपेश कैबिनेट की ये बैठक, राज्योत्सव कार्यक्रम शुभारंभ से पहले ये बैठक होने जा रही है और बैठक में नए प्रमुख सचिव आरपी मंडल भी शामिल होंगे। वैभव शिवपान जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जानकारी दे ही रहे थे। वैभव, जिस तरह से आप बता भी रहे थे कि राज्योत्सव से पहले भूपेश कैबिनेट की बैठक भी है, तो सीएम हाउस में 12 बजे ये भूपेश कैबिनेट की बैठक है, नए मुख्य सचिव आरपी मंडल भी शामिल होंगे, इसके अलावा क्या एजेंडा? देखिए, मुख्य रूप से चर्चा तो धान खरीदी पे होगी, क्योंकि जिसपे केंद्र सरकार से अनुमति मांगी जा रही है राज्य सरकार की तरफ से कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी की जाए, और जो सेंट्रल पूल पे जो कटौती की गई है चावल अतिरिक्त लेने के लिए, तो वो उस पर भी जो है एक सहमति बनाई जाए और उसको उस निर्णय के लिए कैसे जो है केंद्र सरकार को मनाया जाए, तो वो एक मुख्य एजेंडा है बातचीत के लिए। और यही वजह है कि केंद्र सरकार से लगातार से जो ना कहा जा रहा है राज्य सरकार को कि नहीं, हम जो है आपको अनुमति नहीं देंगे और हम अतिरिक्त चावल नहीं लेंगे, तो इन परिस्थितियों के बीच में कल जो मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक हुई थी और उसमें जो निर्णय लिया गया था उसको भी आज कैबिनेट में रखा जाएगा, जिसमें कि अब धान खरीदी की समय सीमा जो पहले 15 नवंबर थी उसे बढ़ा करके 1 दिसंबर कर दी गई है, यानी कि 1 महीने का वक्त अभी और सरकार के पास है इस धान खरीदी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। इसके साथ ही चूंकि नगरीय निकाय चुनाव भी होने हैं, उस आचार संहिता भी लगना है, तो उससे पहले संभवतः मुझे लग रहा है कि यही कैबिनेट की बैठक है और इसके बाद शायद कैबिनेट की बैठक ना हो पाए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में आचार संहिता लगना स्वाभाविक है। तो संभवतः आज की बैठक में कई जो है सौगात भरी निर्णय भी हो सकती है, निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में जो जनता है उनको उनकी जो समस्या है उनका निराकरण कैसे हो सकता है, उन्हें क्या कुछ जो है सौगात के तौर पर दिया जा सकता है, उस पर बातचीत संभावित है। नगरीय निकाय में जैसे कि संभावना ये है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत, और मुझे लग रहा है कि टैक्स पर कोई जो है बात हो सकती है, इससे संबंधित छूट जो है आम लोगों को मिल सकती है, जिसको लेकर के एक चिंता रहती है। पानी को लेकर के, पेयजल को लेकर के भी कोई बेहतरीन व्यवस्था सरकार, बिल्कुल आप बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा वैभव, आगे भी अब आपसे मुखातिब होंगे और जानकारी लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबर भोपाल से देखेंगे।